नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बजट का काला सच। आज के दिन सैटरडे होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट को क्यों चालू रखा और आज के दिन बिग प्लेयर्स ने किस तरीके से जमकर पैसा बनाया और छोटे प्लेयर ने किस तरीके से जमकर पैसा लूज किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत जो ही हुई है वो आज के दिन नहीं हुई है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये स्टार्ट कब हुआ है। तो मैंने 20 जनवरी के दिन एक यूट्यूब के चैनल में वीडियो डाला हुआ था, वो वीडियो को मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कोई एक बार आप वो वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो में मैंने क्लियर कट बता दिया था कि बैंक निफ्टी में जो है ये बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये वीडियो मैंने डालने के बाद वहां पे ब्रेकआउट हो चुका था, ब्रेकआउट के बारे में भी मैंने अपडेट कर दिया था। फिर उसके बाद कल के दिन मतलब 31 जनवरी के दिन मैंने यूट्यूब के चैनल में और एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें मैंने बताया हुआ था कि मार्केट में अभी क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वीडियो में मैंने ये जो वीडियो मैंने 31 जनवरी के दिन डाला हुआ था, ये 31 जनवरी के दिन डाले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि बजट के दिन मतलब आज के दिन क्या हो सकता है। तो ये वीडियो में मैंने क्लियर कट बता दिया था कि जो बिग प्लेयर है ये बिग प्लेयर ने बड़ा पोजीशन ले लिया है डाउन साइड की तरफ, मतलब सेल की तरफ उनका पोजीशन बना हुआ है। इसके पीछे का रीजन भी मैंने इस वीडियो में बता दिया था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को अभी पॉज कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो को एक बार देख लीजिए। उसको देखने के बाद अगर आप ये वीडियो को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि बिग प्लेयर ने आज कैसे जमकर पैसा बनाया हुआ है और छोटे प्लेयर ने आज कैसे पैसा लूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि अभी मार्केट में जो है वो डाउन साइड का पोजिशन बहुत बड़ा बना हुआ है। तो अगर आप निफ्टी का डेली का चार्ट ओपन करते हो तो आपको पता चलेगा कि इसकी शुरुआत जो हुई है वो शुरुआत एक्चुअली 20 तारीख को ही हुई है। तो 20 जनवरी के दिन ये जो आप सबसे बड़ा कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अपर साइड को कौन सा भी शैडो नहीं है और लोअर साइड का शैडो भी बहुत छोटा शैडो है। तो ये कैंडल को मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक अलग नजरिए से। अगर आप कैंडल साइड स्टिक का स्टडी करते हो तो कैंडल स्टिक के स्टडी को थोड़ा सा डीपली कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैं उसको एक बार आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कौन सा भी कैंडल रहता है तो कैंडल में 2-3 बातों को आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं एक आपको नॉर्मल कैंडल ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये नॉर्मल कैंडल जो आपके सामने मैंने ड्रॉ करके बताया हुआ है, तो इस कैंडल में ये जो होता है ये ओपन होता है और ये जो होता है मान लो कि ये क्लोज है, ये हाई है और ये लो है। तो यहाँ पे ये जो शैडो बनाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये शैडो जो जनरली बनते हैं रिटेल ट्रेडर की वजह से बनते हैं। और ये जो आपको बीच में जो बिग बॉडी दिख रहा है, ये बॉडी जो बनता है, ये बॉडी बनता है बिग प्लेयर की वजह से। तो जितना बॉडी स्ट्रांग है, अभी यहाँ पे ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक रेड कैंडल है, मतलब एक बेरिश कैंडल है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन आपको मिलता है कि यहाँ पे सेलिंग का पोजिशन ज्यादा बना हुआ है। तो अगर इस कैंडल को आप ठीक से स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कंप्लीटली सेल का पोजीशन मार्केट में बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ से अगर आप देखते हो तो कल के दिन तक मतलब 10 दिन तक अगर आपका स्टडी करते हो तो 10 दिन में आपको दिखाई देगा सिर्फ 3 दिन मार्केट पॉजिटिव में था और बाकी के 7 दिन मार्केट पूरा का पूरा निगेटिव में था। और ये जो निगेटिव वाले दिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, निगेटिव वाले दिन पे अगर आप देखोगे तो अपर साइड पे एक तो शैडो बिल्कुल नहीं है, अगर है तो बहुत छोटा है, और मार्केट का जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो है वो लो के करीब हो चुका है। तो यहाँ पे एक क्लियर कट इंडिकेशन आ चुका था कि मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड होने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो डाउन ट्रेंड में ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी तब रहती है तब आपको बिल्कुल ही बाय का पोजिशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सेल साइड का पोजिशन लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो डाला हुआ था कल के दिन, तो वो वीडियो में मैंने क्लियर कट बता दिया था कि आपको सेल कब करना है और प्रॉफिट कब बुक करना है। तो वो वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि मैं वहां पे मैंने जो करने के लिए बोला था उसी तरीके से आज मार्केट में मूवमेंट हो चुका है। उसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करते हो तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का जो चार्ट देखते हो तो बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे एक क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था।
तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन आ चुका था कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको नेक लाइन ढूंढना पड़ता है। तो जब आपको नेक लाइन मिल जाता है तो नीचे ब्रेक होने पर आप यहाँ पे सेल का पोजिशन इनिशिएट कर सकते हो। तो सेल का पोजीशन इनिशिएट करने के लिए आपको टारगेट पता होना जरूरी है, और टारगेट कैलकुलेट करने का एक सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से लेकर नेक लाइन तक आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस लाइन को उठा के सिर्फ नेक लाइन के नीचे लाना है, और उसका जो नेक लाइन के नीचे लाने के बाद वहां पे नीचे में जो आपका पॉइंट मिलता है वो रहता है आपका टारगेट। तो ये हो गया अभी आपका डाउन साइड के फॉल का टारगेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ब्रेक देने के बाद एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव दिया है, और ऑलमोस्ट 70% टारगेट अपना अचीव हो चुका है। तो ये जो है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ये 20 तारीख वाले वीडियो में ही बता दिया था कि मार्केट में अभी ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। और कल के दिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बिग प्लेयर का जो पोजिशन है वो बिग प्लेयर का ऑलरेडी सेलिंग साइड का पोजिशन है। तो मार्केट ये जो कंसोलिडेशन की फेज में गया था, ये कंसोलिडेशन का जो फेज है, ये कंसोलिडेशन के फेज को जैसे ही मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, बहुत 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 बढ़िया आपको डाउन साइड का फॉल मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहां पे एक ही दिन में आपको डाउन साइड का फॉल मिल चुका है। उसके बाद अभी आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आपको जानने में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो इस कैंडल को अगर आप स्टडी करते हो ठीक से, तो इस कैंडल में आपको दिखाई देगा कि इस कैंडल का जो क्लोज हुआ है क्लोज ऑलमोस्ट लो के करीब हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में अभी भी सेल का पोजीशन जो है वो सेल का पोजीशन बिग प्लेयर्स का ओपन है, अभी भी उन्होंने अपने पोजीशन को ठीक से स्क्वेयर ऑफ नहीं किया हुआ है। तो आपको मंडे के दिन याद रखना है कि जब तक आपको कोई भी ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक आपको किसी भी हालत में बाय का पोजीशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि ज्यादातर पोजीशन जो है वो ज्यादातर कैंडल आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, मतलब ज्यादातर कैंडल में जो है वो सेल का पोजीशन ही बना हुआ है। तो ये सेल का पोजीशन जो बना हुआ है इससे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि मार्केट में जो है वो बियर पावर में थे, और बड़े प्लेयर का जो पोजीशन था उनका जो माइंडसेट था वो सेलिंग की तरफ ही था। इस तरीके से अगर आप ठीक से एनालिसिस करते हो और बिग प्लेयर को फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया सक्सेस रेट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप मेरा टेलीग्राम का चैनल देखते हो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम के चैनल में मैंने यहाँ पे झील का सेल का सिग्नल दिया था सुबह 9:29 पर। ये सिग्नल देने के बाद मैंने यहाँ पे मेरा पेंडिंग ऑर्डर भी दिखा दिया था, पेंडिंग ऑर्डर मैंने डाला हुआ, जैसे ही मैंने सिग्नल डाला 9:29 पर उसी वहीं पे मैंने सेल का ऑर्डर डाल दिया था, और मैंने यहाँ पे मेरा पेंडिंग ऑर्डर भी दिखा दिया था, और मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था ऑलमोस्ट मार्केट क्लोजिंग के टाइम 3:15 पर। तो वहां पर तब मार्केट में रेट चल रहा था 251 रुपया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका रिस्क जो था वो रिस्क सिर्फ 80 पैसे का था, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 80 पैसे के रिस्क के ऊपर आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट ऑलमोस्ट हुआ है 14 रुपए का। मतलब अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका ऑलमोस्ट 1:15 के ऊपर आ रहा था। तो अगर आप ये टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो तो आपको फ्री में ऐसे सब सिग्नल मिल जाएंगे। और मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डाला हुआ था उसका बेनिफिट छोटे ट्रेडर्स को भी मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेडर ने मुझे बता दिया था जो मुझे फॉलो करता है कि उसने सिर्फ निफ्टी का एक ही लॉट लिया था और उसको ऑलमोस्ट 5,700 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सुबह ही 10:56 पर अपडेट कर दिया था कि डीएलएफ का जो ट्रेड है डीएलएफ में मार्केट में बिग प्लेयर जो है वो सेलिंग का पोजीशन इनिशिएट कर रहे थे। अगर आप डीएलएफ का चार्ट देखोगे तो डीएलएफ के चार्ट में यहाँ पे देखो मैंने क्लियर कट बता दिया था 10:56 पर, और 10:56 के करीब से ही मार्केट में फॉल चालू हो गया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने हाई के ऊपर सेल किया था और नीचे में आके मैंने ऑलमोस्ट लो के करीब बाय किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल में मैंने यहाँ पे मेरा एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर के साथ और एग्जीक्यूटिव स्टेटस के साथ रियल ट्रेड प्रूफ भी दिखा दिया है। अगर आप एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि डीएलएफ जो है वो डीएलएफ टॉप लूजर स्टॉक ऑफ द डे है, ऑलमोस्ट 12% एक ही दिन में टूटा हुआ है।
तो अगर आप बिग प्लेयर को फॉलो करते हो, बिग प्लेयर का डायरेक्शन समझ के उस हिसाब से आप ट्रेड करते हो, तो आपको वन साइडेड मूवमेंट वाले स्टॉक आराम से मिल जाते हैं। और अगर आप ये टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे फ्री में सिग्नल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने बिग प्लेयर के ऊपर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, और वो अगर आप उसको भी फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी आपको एजुकेशनल सीरीज वीडियोज आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।